गाजा में इजराइल और हमास की जंग अब और भी भीषण होने वाली है, क्योंकि नेतन्याहू ने रफा पर चढ़ाई करने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल को घुटनों पर लाने के लिए उस पर चौतरफा हमले शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां गाजा में हमास के लड़ाके आईडीएफ पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इराक और बहरीन से खुले नए फ्रंट ने इजराइल की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इन तीनों ही मोर्चों से इजराइल पर भीषण हमले हो रहे हैं, ताकि इजराइल पर गाजा में युद्ध विराम को लेकर दबाव बनाया जा सके। और अब इसी कड़ी में बहरीन से इजराइल पर दूसरा सबसे बड़ा हमला हुआ है। यह हमला बहरीन के प्रतिरोधी समूह ने किया है। आपको बता दें कि इससे पहले बहरीन के अल अश्तर ब्रिगेड ने 27 अप्रैल को इजराइल के इलट शहर के ट्रकनेट इलाके पर एक ड्रोन हमला किया था। यह हमला इजराइल की ट्रांसपोर्ट कंपनी पर हुआ था। और अब 2 मई 2024 को बहरीन के इसी संगठन ने दोबारा इजराइल पर हमला किया है। हालांकि पिछली बार इस संगठन ने हमले का वीडियो जारी किया था, लेकिन इस बार उसने कोई वीडियो फुटेज जारी नहीं किया है और ये दावा किया है कि उसका ड्रोन हमला सफलतापूर्वक टारगेट पर लगा है। लेकिन बहरीन के प्रतिरोधी समूह के इस दावे पर ईरान की न्यूज एजेंसी IRNA ने 4 मई 2024 को अपनी खबर में कहा कि बहरीन के प्रतिरोधी समूह ने दूसरी बार इजराइल पर हमला किया है। ये हमला अल अश्तर ब्रिगेड ने गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतने वक्त बाद बहरीन अचानक कैसे इस जंग में कूद पड़ा। तो आपको बता दें कि बहरीन अब्राहम एकॉर्ड का सदस्य है और ईरान इस समूह के देशों के शिया अल्पसंख्यक समुदाय का इस्तेमाल अक्सर मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैलाने के लिए करता है। और ईरान ने सऊदी अरब में भी शिया अल्पसंख्यकों को भड़काकर पहले भी कुछ ऐसा ही किया है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच गाम्बिया में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की बैठक चल रही है, जिसमें ईरान इस समूह के देशों पर इजराइल से रिश्ते तोड़ने का बार बार दबाव बना रहा है। चूंकि ईरान ने अभी तक अपने जितने भी प्रॉक्सीज को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया है, वो अपने मकसद में कहीं ना कहीं चूक गए हैं। ईरान ने गाजा में हमास, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूती का इस्तेमाल किया है और अब वो इराक और सीरिया में प्रतिरोधी समूह के जरिए इजराइल पर हमले करा रहा है। और अब ईरान बहरीन को भी इस प्रॉक्सी वॉर में घसीट रहा है। गाम्बिया में ईरानी विदेश मंत्री अब्दुल हुसैन अमीर अब्दुल्लाहेन ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी और उस वक्त ईरान ने ये संदेश दिया था कि बहरीन जो सऊदी का करीबी दोस्त है वो उसको भी अस्थिर कर सकता है और ये सारा खेल इजराइल पर दबाव बनाने के लिए चल रहा है, क्योंकि सऊदी अरब ने भी ईरान द्वारा इजराइल की तरफ दागी गई कई मिसाइलों को हवा में मार गिराया है।